हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है एयरलाइंस की तरफ से। जी हाँ, एयरपोर्ट की तरफ से नई वैकेंसी बम्पर नंबर ऑफ सीट के लिए कह सकते हैं, वो निकल कर आ गई है, जिसमें आपको ग्रुप सी की सीट्स देखने को मिलेंगे। और अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल सीट आपका 15,000 यानी 15,000 के तकरीबन सीट्स रहेगा। और जिस एयरलाइन में ये भर्ती आई है वो है इंडिगो एयरलाइंस, जिसके लिए ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो आगे मैं बताऊंगी इससे रिलेटेड सारी ही डिटेल्स, लेकिन अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड जो अप्लाई लिंक है, नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड करना, तो दोनों ही चीजें मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है और टेलीग्राम का लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए, जाके वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुल पद आपका 15,000 यानी कि 15,000 है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई होगा। एंड अप्लाई करते वक्त फॉर्म की जो फी है ना, ₹0 है। मतलब सभी कैटेगरी के कैंडिडेट बिना किसी फॉर्म चार्ज के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात की 15,000 तो सीट हो गया, आप किन किन पोस्ट के लिए है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर अगर पोस्ट की बात की जाए ना, तो टोटल पोस्ट आपका 25 से 30 के करीब है। अब मेरा बोर्ड काफी छोटा है, जिसमें मैं सारे पोस्ट आपको नहीं बता सकती। फिलहाल मैं आपको जो टॉप बेस पोस्ट है ना, 16-17 पोस्ट के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, पहला है केबिन अटेंडेंट, दूसरा है कस्टमर सर्विस एजेंट, तीसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव, फोर्थ है केबिन क्रू का, फाइव आपका जो पोस्ट है फिफ्थ नंबर का कस्टमर सर्विस ऑफिसर की रहेगी। देन आपका ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव का पद है, असिस्टेंट सिक्योरिटी, स्क्रीनर असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव फॉर सोशल मीडिया। जो आपका 11th नंबर का पोस्ट है ना, ऑफिसर सिक्योरिटी, मेट्रो के लिए आपका जो सिक्योरिटी का होता है उसमें ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। ऑफिसर कार्गो ऑपरेशन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर फॉर सोशल मीडिया, ऑपरेशंस एजेंट हो गया, बैगेज लैंडर, कंसल्टेंट एंड मेनी मोर। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि इतने ज़्यादा वैकेंसी है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं कि एक बोर्ड पे अगर बताने बैठूंगी तो बोर्ड छोटा पड़ जाएगा और बाकी की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप और भी ज़्यादा पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। वहाँ पर आप जाओगे, सर्च करोगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है, फिर उसमें आप ये अपना सर्च करें ना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो, तो सारी चीजें देखे आप अपने लिए एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना। खुशी की बात यह है कि ये जो वैकेंसी आई है अक्रॉस इंडिया, ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी रहने वाली है। तो आइए इसके बारे में और भी डिटेल्स हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एज लिमिट यानी उम्र सीमा क्या होगी, 18 वर्ष से 40 वर्ष। ये पोस्ट वाइज डिपेंड करता है, मतलब 18 to 40 ईयर्स। अब ऐसा नहीं कि सभी पोस्ट के लिए 40 ईयर्स ही है, वो आप देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या है, ये सब आपको पोस्ट वाइज देखना है। अब रही बात सेम चीज क्वालिफिकेशन के लिए, तो जो 10th पास है, 12th पास है या फिर ग्रेजुएट है, सभी के लिए मौका है। और यहाँ पर यह भी बैरियर नहीं है कि आपने किस स्ट्रीम से 12th या फिर ग्रेजुएशन किया है। आपने आर्ट, साइंस या कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12th या फिर ग्रेजुएशन किया है या फिर सिंपली 10वीं पास हो तो आप इलिजिबल रहने वाले हो। बहुत सारे नंबर ऑफ पोस्ट है, तो जिसके लिए आप इलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आप किन किन स्टेज से पास करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन की प्रोसीड्यूर बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, पहले स्टेज पर ही आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, और किसी किसी पोस्ट के लिए ना GD यानी कि ग्रुप डिस्कशन होता है, एंड लास्टली बेसिक सा एक मेडिकल टेस्ट कराया जाता है, फिर आपको आपकी कॉलिंग लेटर दे दी जाती है, तो कॉल लेटर लेके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। अब रही बात की सैलरी, तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। अब अलग अलग तरह के पोस्ट है तो सबके लिए एक तरह की सैलरी नहीं होती है। 27,000 से लेके 70,000 तक पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी आपकी डिवाइडेड है। अब जो जिस लेवल का पोस्ट होगा उसको उतना अच्छा सैलरी मिलेगा। आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस वैकेंसी, देखिए ऑल इंडिया के लिए है,
पहली बात कि ऑल इंडिया के मेल तथा फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जॉब लोकेशन विल बी अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया में कहीं पर भी पोस्टिंग आप देख लेंगे। आप ये आपको कहाँ से क्लियर होगा जॉब लोकेशन, देखिए ये रहा उसका वेबसाइट www.jobs.goindigo.in। यहाँ पर जाने के बाद आप सर्च करेंगे, अगर आपको अपने नियर बाय सिटी में करना है तो आप वहाँ पर उस चीज़ को फिल्टर कर लेंगे, या फिर ऑल ओवर इंडिया में किसी भी सिटी के लिए आप करना चाहते हैं तो आप कोई भी जॉब कर सकते हैं। अगर आपसे ये है कि नहीं नियर बाय सिटी करना, तो आप फिल्टर कर लेंगे और उसी सिटी में आप जहाँ के लिए अप्लाई करोगे ना वहीं पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। अब फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस, ये भी एक मुद्दा उठता है कि क्या फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ जरूर, जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उनके लिए भी भर्ती है, और जो एक्सपीरियंस होंगे उनको सैलरी थोड़ा फ्रेशर्स से ज़्यादा दिया जाएगा। आई होप सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसा कि मैंने बता ही दिया कि अप्लाई की लिंक क्या है, यहाँ पर तो है लेकिन ये लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। तो बात ये आती है कि अप्लाई कब से कब तक होगा, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। वो स्कीम होती है ना जल्दी आओ जल्दी पाओ, तो मतलब देखिए सीट्स तो लिमिटेड है, जितने ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो सीट भरता चला जाएगा, तो फिर बाद में कोई आपके लिए वेट नहीं करेगा कि इतना डेट तक टाइम लिमिट था। जल्द से जल्द फॉर्म भरिए, जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, पर्सनल इंटरव्यू, मतलब अपने मन से नहीं चले जाना, आपको आएगा मेल उससे रिलेटेड तो आप जाओगे वहाँ पे, तो सारी चीज़ें हो जाएगी। तो आई होप कि इस पोस्ट के बारे में आप सब कुछ समझ गए होंगे, सारी डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो हेजिटेट नहीं करना है, बस आपको कमेंट करना है और आपकी क्वेरीज को कर दी जाएगी सॉल्व। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, तो एक लाइक भी बनता है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।